अगर आप एक नई हार्ड डिस्क खरीदना चाहते हैं तो आज मैं आपको कोई ऐसी 6 टिप्स बताने वाला हूं जो आप हार्ड डिस्क खरीदने से पहले उन्हें आप देखना जरूरी होता है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। हार्ड डिस्क के बारे में आपने कई बार सुना होगा और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में ऐसी 6 बातें जो आप हार्ड डिस्क खरीदने से पहले ध्यान में रख सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात क्या आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड डिस्क ड्राइव में क्या अंतर है? जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो आपको थोड़ी सी स्लो मिलती है, मगर जो सॉलिड डिस्क ड्राइव है वो ज़्यादा फास्ट होती है, इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट होती है, साथ ही साथ इसमें जो कैश मेमोरी होती है वो भी ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले। और दूसरी स्पेसिफिकेशन ये आती है कि आपकी हार्ड डिस्क की साइज या फिर उसका इंटरफेस, आपको इसका कितना इंटरफेस चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट साइज की कितनी है। तो हार्ड डिस्क आपको दो फॉर्म फैक्टर में देखने को मिलती है, एक होती है जो बड़ी डेस्कटॉप में लगती है और एक छोटी जो कई अपने लैपटॉप में देखी होगी, ये दो फॉर्म फैक्टर में आती है, एक बड़ी साइज एक छोटी साइज। और अब बात करते हैं इसकी साइज की, आपको कितनी साइज की हार्ड डिस्क सही रहेगी। जैसे कि मान लो अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो आपको जो बड़ी आपने देखी होगी जो कंप्यूटर में होती है वो हार्ड डिस्क आपको मिलेगी 12 टेराबाइट की मैक्सिमम स्पेस के साथ, और जो छोटी आपने लैपटॉप देखी हुई है वो आपको मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा 4 टेराबाइट की स्टोरेज के साथ। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की कि हार्ड डिस्क में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी क्या स्पीड होनी चाहिए। मान लो अगर आप कोई हार्ड डिस्क खरीदते हैं तो आप सबसे पहली ज़रूरत होती है उसकी स्पेसिफिकेशन। अगर आप हार्ड डिस्क में कैपेसिटी, स्पीड और आरपीएम का ध्यान रखते हैं तो आपको ये ज़्यादा फास्ट मिलती है। और बात करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। मान लो अगर आप कोई होम अपने घर पर कोई सर्वर बना रहे हैं या फिर कोई मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर बना रहे हैं अपने पर्सनल काम के लिए, या फिर अगर कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आपको सर्वर के लिए भी आपको लगभग चाहिए होगी 2 या 3 TB, या फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे चूज कर सकते हैं। मगर आप अगर नॉर्मल काम कर रहे हैं जैसे कंप्यूटर का तो आपको लिए लगभग 1 TB या फिर 500 GB की हार्ड डिस्क काफ़ी होती है। अब बात करते हैं इसकी स्पीड, आपको ये हार्ड डिस्क मिलती है 3 GBPS, अगर आप सॉलिड डिस्क ड्राइव लेते हैं तो आपको और ज़्यादा स्पीड मिल जाती है। और RPM की बात करें तो हार्ड डिस्क आपको दो टाइप के RPM में मिलेगी, एक होगी 7200 RPM जो ज़्यादा फास्ट होती है, मगर जो एक 5300 RPM में आती है वो थोड़ी स्लो होती है। ये इनमें RPM का फर्क होता है, जिसके ज़्यादा RPM है इसका मतलब वो ज़्यादा जल्दी से काम पूरा कर सकता है, ये होता है RPM का मतलब। और अगली बात निकल जाती है इनमें कैश मेमोरी की, अगर इनमें कैश मेमोरी है तो ये आपके जो आपने कुछ कॉपी करना है तो वो जल्दी हो जाएगा, फास्ट होता है। और दूसरा होता है इसकी प्रोसेसिंग टाइम, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया तो हार्ड डिस्क कितनी देर में स्टार्ट हो जाती है, या फिर अगर आप कोई उसमें कुछ कॉपी कर रहे हैं या फिर उसे कोई ले रहे हैं कोई फाइल तो कितनी देर में प्रोसेस हो जाता है, ये होता है इसकी प्रोसेसिंग टाइम। और सबसे आखिरी बात है जो आप हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन और स्पीड में देखते हैं वो है इसकी फेलियर रेट। हार्ड डिस्क अगर फेल होती है तो इसकी फेलियर रेट क्या है, हार्ड डिस्क की फेलियर रेट बहुत कम होनी चाहिए, अगर ये रेट ज़्यादा होती है तो आपकी हार्ड डिस्क बार बार क्रेश होती रहेगी। और हमारी लिस्ट में चौथी निकल आती है इसकी प्राइस, आप हार्ड डिस्क की प्राइस देखना ना भूलें कि कई हार्ड डिस्क होती है जो कम स्पेसिफिकेशन के साथ भी महंगी होती है, मगर कई हार्ड डिस्क होती है जिसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन होते हैं मगर फिर भी वो सस्ती होती है, ये होती है इसकी रेट। आप मैं डिस्क्रिप्शन में कई लिंक्स देने वाला हूँ, आप वहाँ से हार्ड डिस्क देख सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। और अगली पांचवी निकल आती है ये आपको हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अगर इंटरनल चाहिए या फिर एक्सटर्नल चाहिए। कई बार हमें इंटरनल हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो तो आप उसके अंदर इंटरनल हार्ड डिस्क होना ज़रूरी है। मगर आपको अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको हार्ड डिस्क यहाँ से वहाँ ले जानी पड़ती है तो आपके लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क सही रहेगी। ये एक्सटर्नल और इंटरनल में जो एक्सटर्नल होती है वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही लगती है, तो जो इंटरनल है वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर लगती है, जो एक्सटर्नल है आप उसे कहीं पर ले जा सकते हैं, उसके अंदर आपका डाटा स्टोर रहता है। और आखिरी निकल आती है छठी, आपकी रिक्वायरमेंट यानी कि आप इसे किस में काम में लेने वाले हैं, PC में, PS4, Xbox या फिर किसी और चीज़ में। अगर आप PC में काम में लेने वाले हैं तो आपके लिए नॉर्मल हार्ड डिस्क ठीक रहती है, मगर आप अगर PS4 में काम में लेने वाले हैं, Xbox में काम में लेने वाले हैं यानी कि गेमिंग में, तो आपको ज़्यादा फास्ट हार्ड डिस्क चाहिए होगी, क्योंकि अगर आपकी हार्ड डिस्क स्लो हुई तो आपको गेमिंग में लैग देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो आपकी ग्राफिक्स है वो उतनी अच्छी नहीं होंगे। इसलिए आपको अगर PC या मैक के लिए हार्ड डिस्क चाहिए तो वो आपको नॉर्मल स्पीड में काम चल जाता है, मगर आपको अगर PS4 या फिर Xbox के लिए हार्ड डिस्क चाहिए तो आपको ज़्यादा फास्ट हार्ड डिस्क चाहिए होगी।
मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि हार्ड डिस्क खरीदने से पहले किन छह बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैं इन छह बातों को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड डिस्क ड्राइव, दूसरी हार्ड डिस्क की साइज और इंटरफेस, तीसरी हार्ड डिस्क की स्पेसिफिकेशन एंड स्पीड, और चौथा हार्ड डिस्क की प्राइस, पांचवा आपको हार्ड डिस्क इंटरनल चाहिए या एक्सटर्नल, और छठा इसकी रिक्वायरमेंट किसके लिए काम में लेने वाले हैं, PCX4 इसके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।